और ये दिखा दिए इतना बड़का जीव निकाल के सारा सामान इधर से हटा के बस गैस अभी सेट किया हुआ है। पूजा झाड़ू नहीं है गैस में, झाड़ू लाना है क्या? अभी नहीं, खरमास के बाद, अभी झाड़ू वगैरह सब कुछ खरमास के बाद ही वो खाना वगैरह। हे गाइस, तो नए घर की चल रही है साफ सफाई और ये देखो अभी झाड़ू भी नहीं लाया क्योंकि खरमास है तो झाड़ू भी नहीं लेना है। अभी साफ सफाई होगा किचन में, खाना वगैरह भी अभी नहीं बनेगा, खरमास के बाद ही बनेगा। थोड़ा सा पूजा पाठ होगा, मतलब थोड़ा सा बोल रहा हूँ, मतलब पूजा पाठ होगा, अभी ऐसे ही साफ किया जा रहा है। चलो बाकी कॉमेंट करना आप लोग। हे गाइस, तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 6:11, हम लोग हैं कोलकाता में अभी। तो पूजा अपना पिक्चर दिखाने वाली है, नहीं है ना, क्योंकि अभी खरमास चल रहा है और कहीं भी नए जगह पे कोई शुभ काम होता नहीं है। तो अभी हम आ चुके हैं नए वाले घर पे, बट अभी यहाँ पे खाना पीना 2-3 दिन तक नहीं बनेगा। तो बगल में मासी जी का घर है, तो शाम का प्लान यही है 2-3 दिन वहीं पर खाना बनेगा, फिर वहाँ से खाना जाते हैं आ जाएगा, यहाँ जाएँगे वहाँ पर खाना बनाएंगे, खाएँगे मस्त। बड़ा हुआ अभी खाना नहीं बना सकते। तो चलो ये फोटो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पत्ते का बताया मैंने। चलिए मम्मी का फोटो बनाते हैं, अपनी सासू माँ का फोटो बनाना है, नहीं बना सकते हैं सासू माँ का फोटो, नहीं नहीं बना सकते। तो अभी अभी तो सभी लोगों से मिलाया नहीं है, मासी जी से मिला दी। हाँ, मासी जी, शिवानी, सोनाली एंड मासा जी, सचिन तो है नहीं अभी, सोनाली को सर मारा था, क्या बात है, सोनाली नहीं ना आई है अभी, तो सोनाली नहीं आई है, सोनाली और सचिन है नहीं है, सचिन आपको पता है सचिन मौसी का लड़का है हमारा, तो वो अभी यहाँ नहीं है, अभी बैंगलोर में है, उसका जॉब है वहाँ पे, तो वो भी वहाँ पे है। तो मैं भी देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो वो आएगा, वरना कोई नहीं नेक्स्ट टाइम उससे मिलेंगे। गिर जाएगा इधर, दीवान इधर, इधर दीवान, दीवान बेटा क्या हुआ, क्या चाहिए, क्या चाहिए? नहीं देख रहा था मैं, ये ना अपने बेटे को बिगाड़ के रखेंगे, ये एकदम 100% हो चुका है। मैंने उसे भुला दिया था, उसे देखने नहीं दिया था और ये दिखा दिए इतना बड़का जीव निकाल के वहां से। क्या चाहिए ये वाला फायर ट्रक? ये ले लो, उसे चाहिए, ले ले बेटा ट्रक, लेते हैं फायर ट्रक ही चाहिए इसको, हमेशा फायर ट्रक जेसीबी यही सब चाहिए होता है। कितने का है देख लीजिए, देख रहे हैं टॉय ले रहा है टॉय, और 320 का चुना लग चुका है शिवांशु। चलो पावर बैंक ले लिया हमने, ये कार में ही थी, इसको चार्ज में लगा देंगे। चलो बेटा चलो चलो चलो, हाँ अभी जा रहे हैं फ्लैट में, ले लिया पावर बैंक और थोड़ी बहुत भूख लगी थी तो वो ले लिया। चलो बेटा आ जाओ, दब गया, चलो नहीं तो भाग जाएगा लिफ्ट। क्या खरीदा, दिखा दो, दिखा दो क्या लिया, दिखा दो क्या लिया, इधर दिखा दो ऐसे, फायर ट्रक, इधर देखिए, इधर पिक्चर है वो दिखा रहा है, इधर पिक्चर है फायर ट्रक का, आ गए। चलो आजा, चप्पल से बता, और ये बॉडी है, बॉडी है, थोड़ा सा कोलकाता आए तो सब कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, बउआ भी खाए, और कोलकाता में जो भी चीज फेमस है कमेंट कीजिएगा, सब कुछ ट्राई करके जाएंगे। ठंडा कुकर क्या खिला, ठंडा। हे गाइस, तो हमने साफ सफाई कर दी है और यहाँ पे गैस चूल्हा को सेट कर दिया है, यहाँ पे सिलेंडर लग चुका है और भी सामान ये सब बिखरे पड़े हैं, इन सबको भी अभी सेट करना है, अभी ये सब कुछ सेट नहीं हुआ है, सारा मसाला डब्बा ये सब है, देखिए चम्मच इधर भाग रहा है, तो ये सब अभी सेट करना बाकी है, बस इधर सारा सामान इधर से हटा के बस गैस अभी सेट किया हुआ है।
हे गाइस, तो किचन का जो भी सामान था वो सारा शिफ्ट कर दिया है मैंने, सारा निकाल के, ये सारे मसाले डब्बे और नीचे सारा बर्तन मिक्सी और ये सारा कुछ रख दिया है। इधर चूल्हा लगा दिया है, इधर सिलेंडर और इधर आटा, इसमें आटा है और इधर जो भी एक्स्ट्रा बोरे थे वो सब साइड कर दिया है। तो हो चुका है हमारा किचन तैयार, बट आप लोगों को पता ही है कि अभी खाना नहीं बनेगा, बिकॉज उसका भी एक रीज़न है, दो तीन दिन बाद खाना बनना स्टार्ट होगा यहाँ पे। Hey guys, good morning, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। और सुबह सुबह का टाइम है, बाकी थोड़ी देर पहले उठे हैं, ब्रश ये सब कर लिया है और शिवांश गला अजीब सा हो गया, शिवांश का ब्रश ना मुझे लगता है कि होटल में ही छूट गया था रास्ते में जब हम रुके थे, क्योंकि उसका ब्रश को ज़्यादा मिल ही नहीं रहा था। अब वो सुबह से कह रहा है मुझे अपना ब्रश चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले भूल गया है, नहीं तो फिर रोने लगता, वही वाला ब्रश चाहिए मेरा, ब्लू वाला चाहिए, ऐसे बोल रहा है। तो बाद में नीचे जाएंगे तो उसके लिए ब्रश खरीदेंगे, बाकी उसको बिस्किट और पानी, बिस्किट अभी खिलाया है क्योंकि ब्रश तो था नहीं, तो ब्रश कहाँ से करवाते, बस वो खा लिया है। और अभी रूम की साफ सफाई करनी है, जहाँ इंसान रहे वहाँ पर कचरा तो फैलना ही है। हे hey, क्या करने आए हो तुम, मेरे कपड़े में मुंह पोछ रहे हो, बदमाशी नोज है। तो वहाँ पे कपड़ा है बेटा वहाँ पे, अरे आपके पास तो इतना सुंदर तौलिया है, पूछ लीजिए, इतना प्यारा तौलिया है आपका, तो मम्मा के कपड़े में पोछने आए हैं, पूछ लीजिए उसमें, तौलिया में पूछिए, तौलिया में पूछ लीजिए नोज। अच्छा ये मुँह पोछने वाला, देखिए कितना स्मार्ट है नोज, मेरे कपड़े में आके पूछेगा, अरे तौलिया में मुंह पूछेगा, जा जा भागो यहाँ से बदमाश कहीं की। चलो देखो छोटा, हाँ ये छोटा तौलिया, छोटा बेबी के लिए, आप छोटा बेबी हो ना, तो देख सकते हैं रूम में थोड़ा बहुत कचरा हो गया तो ये सब साफ करना है अभी। चलो खेलो तुम जाओ अपना मुँह, और मम्मी अभी थोड़ा सा सोई हुई है, बिस्किट खिला दिया शिव को, अब रख देते हैं और साफ सफाई पे लग जाते। और हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन कैसा लगा आप ये लोग बताइएगा, वैसे अभी तो कुछ बनेगा नहीं, जब बनेगा तब बताएंगे, तब दिखाएंगे कि क्या क्या बनने वाला है। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं खिड़की से, ये किचन है, किचन से बाहर व्यू आता है, बालकनी है किचन के बाहर। कल मम्मी मासी जी के साथ मार्केट गई थी तो मिठाई लाई थी, ये एक बचा हुआ शिवांश के लिए, शिवांश सो गया था उसको खिलाया नहीं था, तो भी जा रहे उसको खिलाने के लिए, देखते हैं कि वो खाता है या नहीं खाता। तुम्हारे लिए गिफ्ट, गिफ्ट इधर से खुलता है, इधर से, इधर मिठाई, अरे जीभ लपड़ लपड़ कर रहा है, खा। सफाई होने वाली है, घर काफी गंदा है तो नए घर की साफ सफाई होगी। तो चलो कल तो आए थे यहाँ पे और घर थोड़ा एकदम अस्त व्यस्त है, और तो क्या चाहिए, तो चलो अब साफ सफाई पूजा करने वाली है चारों तरफ, बहुत गंदा है ना। कौन सा गिफ्ट चाहिए बेटा, दूसरा गिफ्ट चाहिए, ये लो दूसरा, ये लो, देखिए उसमें पानी, पानी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। देखिए और खाना पीना दो दिन के बाद बनेगा, अभी यहाँ पे आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, खरमास चल रहा है ना, अभी खरमास चल रहा है तो 14 या 15 को खरमास ख़त्म हो रहा है, तो तब जाके किचन में जो भी कुछ बनना है ना खाना पीना यहाँ बनना चालू हो जाएगा, अभी नहीं बनेगा। और रही बात साफ सफाई सब कुछ का, तो वो सब आपको बाद में दिखाएंगे, रूम टूर, होम टूर, घर का सब कुछ करवाएंगे, बट अभी सुबह सुबह मुझे कार वॉश करवाने जानी है, तो मैं जा रहा हूँ, कार अपनी बहुत गंदी है तो अभी जा रहे हैं, पहले पता करते हैं कि वॉशिंग सेंटर यहाँ बगल में कहाँ है और जाके अपनी कार को अच्छे से धुलवा के मस्त आते हैं। वो चीनी पन्नी में इसमें डाल देते हैं, शिवान बेटू पानी नहीं गिराओ बेटा, उसमें पानी नहीं डालते, उसमें डब्बा डालना चाहिए, पानी नहीं डाले। तो अभी देखो साफ सफाई चल रही है, पंखा बंद कर दीजिए, बंद कर दो, मम्मा बोली है पंखा बंद करने के लिए, भी नए वाले घर में साफ सफाई चल रही है ये देखो, और पूरा घर अस्त व्यस्त है,
बाकी पूजा झाड़ू नहीं है क्या इसमें? झाड़ू जाना है क्या? अभी नहीं, खरमास के बाद, अभी झाड़ू वगैरह सब कुछ खरमास के बाद ही, वो खाना वगैरह खरमास के बाद ही बनेगा, उसको बाद में लगाएंगे, स्टैंड में बाद में लगाएंगे, अभी नहीं, स्टैंड में नहीं। बेटा पंखा क्यों नहीं बंद किए? पंखा बंद करो तो पूजा। दादी को कहिए कि दादी नाई नहीं कर ली, दादी को बोल दो दादी नाई नहीं कर ली। क्या हुआ पेट में? पेट में क्या हो गया? अरे देखिए इधर नहीं आई, इनसे गिर जाएगा। मम्मा पुश लगा रही ना, ब्रश करना है। ठंडा लग रहा है, कम कर दो, कम कर दो, पंखा कम कर दो, कम कर दे। ओके कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे बेटा। यार बबुआ भी जा, कहाँ जाएगा? कहाँ जा? बबुआ कैसे जाएगा? बबुआ उड़ के जा। हे गाइस, तो पोछा लगा दिया है पूरे घर में, और इतना बड़ा है ना पोछा लगाते लगाते मेरी हालत खराब हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि पोछा लगाने वाला था, नहीं तो अगर हाथ से लगाती तो लगाते लगाते मैं बेहोश हो जाती। और बस थोड़ी देर में भी जा रहे हैं नहाने, मम्मी अभी गई है नहाने, और उसके बाद नहाएंगे, फ्रेश होएंगे। पति देव गए हैं कार वॉश करवाने के लिए, कार बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत ज़्यादा एकदम धूल लग रहा था, पूरे में धूल भरा हुआ है, तो अभी वॉश करवाने गए हैं।